अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनताना हाईएस्ट पेड लेने वाली हस्तियों की लिस्ट जारी की है। शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार ने टॉप 100 की लिस्ट में जगह बनाई है। सलमान खान 71वें नंबर पर हैं। उनकी इस साल यानी 2016 और 2017 की कमाई $37 मिलियन करीब 233 करोड़ है। सलमान आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसके पीछे एक गुमनाम हीरो का बड़ा हाथ रहा है। इस हीरो की बीमारी के कारण ही सलमान को उनकी पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म मैंने प्यार किया मिली थी। इस हीरो का नाम है फराज खान। सलमान को पहचान दिलाने वाली फिल्म मैंने प्यार किया 1989 में प्रेम का रोल एक्टर फराज खान को ऑफर हुआ था। फराज ने ये फिल्म साइन भी कर ली, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले वे बीमार पड़ गए। वह इस हालात में नहीं थे कि शूटिंग कर सके। फराज के बीमार होने और फिल्म की शूटिंग न होने के कारण सूरज बरजातिया अपसेट हो गए। उन्हें सलीम खान के बेटे सलमान खान का नाम सजेस्ट किया, जो उस वक्त फिल्मों में काम की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सलमान से मुलाकात की और प्रेम के रोल के लिए उनका ऑडिशन लिया और उन्हें फाइनल कर दिया। इस फिल्म की रिलीज के 7 साल बाद फराज ने विक्रम भट्ट की थ्रिलर फिल्म फरेब से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ मिलिंद और सुमन रंगनाथन लीड रोल में थे। फिल्म का गाना ये तेरी आंखें झुकी झुकी काफी पॉपुलर हुआ था। फरेब के अलावा फराज ने रानी मुखर्जी के साथ फिल्म मेहंदी 1998 में भी काम किया था। इसके अलावा वह दुल्हन बनी में तेरी 1999, दिल ने फिर याद किया 2001, बाजार 2004 में नजर आए थे। फराज खान गुजरे जमाने के एक्टर यूसुफ खान के बेटे हैं। यूसुफ ने फिल्मों के लिए अपना नाम बदलकर यशराज रखा था। यूसुफ खान ने अपने करियर में तकरीबन 34 फिल्मों में काम किया। यूसुफ ने अमिताभ बच्चन की फिल्म मुख्तर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी में काम किया था। फराज खान के पिता यूसुफ खान का निधन 1984 में हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। वहीं फराज ने आखिरी बार शिप ऑफ थीसियस 2013 में अभिनय किया। उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही। 2013 के बाद भी उनकी कोई फिल्म नहीं आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।